नमस्कार दोस्तों, मैं सुजीत कुमार आईपी टेक स्कूल से आपका स्वागत करता हूं हमारे इस ऑनलाइन वीडियो ट्यूटोरियल में, जहां आप सीखते हैं कंप्लीट एडवांस एक्सेल एंड वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग। तो दोस्तों, ये हमारा वीवीएम माइक्रो प्रोग्रामिंग की पहली क्लास है और ये क्लास मैं गो टू मीटिंग के जरिए ले रहा हूँ। बेसिकली मैं जूम के जरिए लेता हूँ, लेकिन हमारे पास जो इस बैच में ज्वाइन करने वाले कैंडिडेट हैं वो सऊदी अरेबिया से है, और सऊदी अरेबिया में क्या है कि वहां पे जूम बैंड है, सो हम यहाँ पे गो टू मीटिंग लेते हैं। तो गो टू मीटिंग का ज्वाइन करने का सिंपल तरीका है, देखिए जैसे कि अभी मैंने इनको जो है सरवाज जी एंड एक हमारे पास जोकब जी है, उनको हमने ये लिंक देख रहे होंगे, मैंने लिंक आपको इनको मैसेज कर दिया है व्हाट्सएप पे, और वो लिंक पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद वो ज्वाइन करेंगे और उनको मेरी कंप्यूटर स्क्रीन जो है कंप्लीटली लाइव दिखेगा और हेडफोन के जरिए मुझसे बातचीत करते रहेंगे। तो आप भी हमारे साथ अगर क्लासेस को ज्वाइन करना चाहते हैं तो सिंपल iptindia.com मेरी वेबसाइट को खोलिए। जैसे ही वेबसाइट खोलेंगे पॉपअप में आ जाएगा बुक डेमो क्लासेस। अगर पॉपअप में नहीं आता है तो यहाँ पे बुक डेमो क्लासेस का बटन है, उस पर क्लिक कीजिए, इस सीधे मेरे डेमो क्लासेस वाले फॉर्म पे ले जाएगी। थोड़ा सा अभी इंतजार कीजिए इनिशियलाइज होने का, ये फॉर्म आपको मिलेगा गूगल फॉर्म, इस फॉर्म को भर के सबमिट कर दीजिए। जो डेट एंड टाइम हम आपस में डिस्कस करेंगे उस डेट एंड टाइम पे हम आपके साथ ज्वाइन करेंगे और आपको लिंक मिलेगा और आप भी लाइव इंटरेक्टिव हमारी क्लासेस को ले सकते हैं। हमारे कोर्सेज को देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट पे जाके हमारे डिफरेंट डिफरेंट कोर्सेज हैं उनको आप देख सकते हैं। अगर आप चाहे तो हमारे पेन ड्राइव अगर परचेज करना चाहते हैं तो भी आप बाय पेन ड्राइव पे क्लिक करें और परचेज कर सकते हैं। अब जैसे देखिए इन्होंने ज्वाइन किया लेकिन उन्होंने टेलीफोन सेलेक्ट कर लिया है गलती से, तो यहाँ पे चैटिंग की भी फैसिलिटी है। यहाँ चैट पे जाऊंगा और मैं यहाँ पे दूंगा कि प्लीज सेलेक्ट कंप्यूटर ऑडियो, ठीक है, भेज दिया। या अगर वो उस पर ना सुने तो उसके बाद हम व्हाट्सएप पे करते हैं। पूरी हमारे साथ कोऑपरेशन होता है क्लासेस में और हम लाइव इंटरेक्टिव वन टू वन सेशन देते हैं। एक या दो बच्चे हमारे बैच में होते हैं तो हमारा पूरा फोकस आप लोगों के ऊपर होता है, तो आप लोग जो है हमारी क्लासेस को डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं या फिर हमारी पेन ड्राइव को परचेज कर सकते हैं। साथ में कभी भी किसी तरह का अगर कोई प्रॉब्लम हुआ, किसी तरह का कुछ जानना है, कुछ समझना है, तो आप हमारी ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन कर सकते हैं। और मुझे लाइव सपोर्ट भी ले सकते हैं, आप चाहें तो हमारी हमसे बातचीत कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम हो, कुछ पूछना हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं। अब मान लीजिए काम करते समय किसी तरह का प्रॉब्लम आ गया तो आप डायरेक्ट मुझे फोन कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए और मुझसे डिस्कस कीजिए, हम आपको फुल्ली सपोर्ट देंगे। तो आप क्लास ले ना ले वो अलग बात है, आप हमारे पेन ड्राइव को परचेज करें या ना करें वो भी अलग चीजें हैं। आपको अगर किसी तरह की प्रॉब्लम हुई, आपके किसी फ्रेंड्स को प्रॉब्लम हुई तो आप उसको मेरा नंबर शेयर कर सकते हैं, मुझे बहुत खुशी होगी आप लोगों की मदद करने में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो हेलो हेलो, मेरी आवाज आ रही है सर आपको? ऋषभ जी, मेरी आवाज आपको आ रही है? तो सर मैंने स्क्रीन दे दिया है, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही होगी सर। सनवाज दिख अंसारी जी के पता नहीं वो मैंने उनको प्रॉब्लम हो रही ज्वाइनिंग में, कोई बात नहीं, वो आते रहेंगे तो स्टार्ट करते हैं हम। और जैसे कि हम वीवीए स्टार्ट कर रहे हैं और जैसा कि मैं जानता हूं कि आपको वीवीए पहले से थोड़ा बहुत पता है, तो एकदम बेसिक चीजें को मैं इग्नोर कर दूं या लेके चलूं? लेके चलो, बेसिक लेके चलो। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते थ्योरिकल पार्ट जो है करते हैं वीवीए का।
वीवीए के थ्योरी को जानना सबसे बहुत जरूरी होता है, तभी जाके आप प्रोग्रामिंग पे समझ पाते हैं कि प्रोग्रामिंग है क्या। सबसे पहले जानिए वीवीए। वीवीए होता है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशंस। अब यहाँ पे एक चीज मैं बात समझाता हूँ कि वीवी का विजुअल बेसिक का एक वीवी है, विजुअल बेसिक, एक आपका VV.NET है, समझिए ना। तो ये सब अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्या है? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो कि स्टूडियो के साथ यूज होता है, जिसके जरिए हम एक सॉफ्टवेयर क्रिएट करते हैं। तो वीवीए वो नहीं है। वीवीए है विजुअल बेसिक फॉर एप्लीकेशन, जो माइक्रोसॉफ्ट की जो एप्लीकेशंस है, माइक्रोसॉफ्ट की जो एमएस ऑफिस की जो एप्लीकेशंस है, उसके अंदर यूज होने वाली प्रोग्रामिंग एप्लीकेशन लैंग्वेज है, ना कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बात समझिए, मतलब कि आप वीवीए के मदद से कोई ईएक्सई फाइल नहीं बनाएंगे, कोई सेटअप फाइल नहीं बनाएंगे, आप एक्सेल के अंदर ही कुछ नए चीज डेवलप करेंगे, समझ गए, जो कि एक्सेल या एमएस ऑफिस के लिए होगा। एमएस ऑफिस एक्सेल के साथ वर्ड, पावर पॉइंट सब में वीवीए यूज होता है, आउटलुक, उनके लिए हम करेंगे, और उसी के अंदर अटैच होगा और उसी के लिए परफॉर्म करेगा। क्लियर है सर? तो एक चीज निकाल दीजिए। दूसरी चीज, जो वीवीए लैंग्वेज है, इसको एक एक स्पीकिंग लैंग्वेज की तरह आप चले, मतलब कि जहां तक मैं बोलता हूँ कि प्रोग्रामिंग की बैकग्राउंड बहुत सारे बच्चों के नहीं होती है, बहुत सारे हमारे ट्रेनीज को नहीं होता है, तो उनको डर होता है। बहुत सारे लोग डरते हैं कि हाँ यार प्रोग्रामिंग तो जानता नहीं हूँ, तो वीवीए कैसे सीख पाऊंगा, मेरी बैकग्राउंड प्रोग्रामिंग नहीं है, मेरी मैथमेटिक अच्छी नहीं है। तो कोई बात नहीं सर, इसको आप लैंग्वेज की तरह सीखे, जैसे कि आप इंग्लिश सीखे थे, जैसे कि आप उर्दू सीखते हैं, जैसे कि आप कोई रीजनल लैंग्वेज सीखते हैं। तो उसमें क्या करते हैं हम माने कि अपनी बात को सामने वाले के साथ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। उसी तरह से आप जो आदेश देना चाहते हो, जो आप उसे काम करवाना चाहते हो, उसके साथ, उसके लिए आप एक्सेल के साथ कैसे कम्युनिकेट करोगे, दैट कॉल वीवीए, इसके जरिए लेके चलिएगा। दूसरी चीज कि वीवीए जो है हमारा, इस वीवीए का और क्या क्या है उसके बाद जान लीजिए। देखिए, वीवीए एक फैक्ट्री समझ लीजिए। तो वीवीए के जरिए आप कर क्या सकते हैं, क्या क्या बना सकते हैं। सबसे पहले बात कर रहे हैं मैक्रोज का। मैक्रोज क्या है? मैक्रोज इज ए ऑटो पैलेट। ऑटो पैलेट में से कंपनी इसलिए कर रहा हूं क्योंकि हमारा रिपोर्ट कोई ऑटोमेटिकली बनाता है, ठीक है, हमारे रिपोर्ट्स को ए ऑटोमेटिकली बनाता है। मतलब कि मान लीजिए ना कि आपको जो है एक फोल्डर में, एक फोल्डर है, उस फोल्डर के अंदर में 500 फाइल है, ठीक है, और मुझे उन 500 फाइलें को वन बाय वन ओपन करना है, उसकी सीट नंबर वन का डेटा कॉपी करके मुझे फाइल, मतलब कि एक डेटा फाइल के अंदर पेस्ट करना है, एक के नीचे एक के नीचे। तो आपका प्रोसीजर क्या है? आपका प्रोसीजर है फर्स्ट ओपन द फर्स्ट फाइल, गो टू द सीट वन, सेलेक्ट द डेटा, कॉपी द डेटा, कम बैक टू डेटा फाइल एंड कम बैक द लास्ट रो ऑफ द डेटा शीट्स एंड पेस्ट द डेटा। नाउ क्लोज द फाइल नंबर वन एंड ओपन द फाइल नंबर टू एंड अगेन डू द सेम प्रोसीजर। समझ गया सर? तो ये प्रोसीजर आपका है और ये आपका प्रोसीजर फिक्स है। आपका ऑब्जेक्ट डिफरेंट डिफरेंट है, बट प्रोसीजर हमारा फिक्स है। तो इसी चीज को हम प्रोग्रामिंग के जरिए प्रोग्राम कर देंगे, क्योंकि हमारा एक एक काम क्या है, फाइल को ओपन करना, कॉपी करना, पेस्ट करना, और इसी फाइल को, इसी काम को मुझे 500 बार करना है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट फाइल के साथ, समझ गए। अब इसी स्टेप्स को हम कोड करेंगे, कोड करके माइक्रो बना देंगे। जब नेक्स्ट टाइम हम रन करेंगे तो क्या करेगा, अपने आप पूरे फोल्डर की जितनी भी फाइल्स है, सारे फाइल्स को ओपन करेगा, डेटा कॉपी करेगा, पेस्ट करेगा, और हम जो मैनुअल करेंगे उसी प्रोसीजर को फॉलो करेगा, और हमसे तकरीबन 1000 गुना फास्ट, उससे भी ज्यादा। तो उससे बेनिफिट क्या हुआ, माइक्रो के यूज से बेनिफिट क्या हुआ? माइक्रो से बेनिफिट हुआ कि हमारा जो मैनुअल वर्क है वो ऑटोमेट हो गया।
मतलब जो हम मैनुअल डेटा कॉपी करने में जो पूरा दिन लगाते हैं वो काम उसने विद इन मिनट, विद इन सेकेंड या विद इन सब मिनट्स में कर दिया उसने। ठीक है, ओके राइट। और दूसरा बेनिफिट क्या, एक्यूरेसी। हम अगर करते तो हो सकता है कोई फाइल छूट जाता, हो सकता था कोई फाइल डबल कॉपी पेस्ट हो जाता, लेकिन मैक्रोज ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि उसको एक बार कॉपी करने का कोड है, तो एक ही बार कॉपी करेगा, दो बार नहीं करेगा। तो मैक्रोज का यूज क्या क्यों करते हैं हम, अपने लेंदी वर्क को, अपने रिपीटेड वर्क को ऑटोमेट करने के लिए। मैं डू द ऑटोमेशन, जस्ट लाइक ऑटो पायलट, जैसे कि प्लेन को फ्लाई करने के लिए ऑटो पायलट का यूज होता है ना, तो उसी कंडीशंस में हमने रिपोर्ट को बनाने के लिए मैक्रो का इस्तेमाल किया हुआ है। तो पहला सबसे पावरफुल टूल्स क्या है, मैक्रो है। अब दूसरा टबल पावरफुल टूल्स है हमारा, वो है फंक्शंस। फंक्शंस फंक्शंस क्या है कि इसके जरिए हम फॉर्मूला बनाते हैं। एक्सेल में ऑलरेडी बने बनाए तकरीबन 600 समथिंग फॉर्मूले हैं, उससे भी कम हो सकते हैं, उससे ज्यादा हो सकते हैं, अंदाजा मैंने 600 बोला है। 600 समथिंग फॉर्मूले हैं ऑलरेडी, लेकिन हो सकता है एक फॉर्मूले आपकी किसी एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन के लिए फिट ना हो सकता है कि एक पर्टिकुलर कैलकुलेशन के लिए वो फॉर्मूला लेंदी हो या आपके लिए कोई कोई फॉर्मूला ना हो। जैसे कि मान लीजिए हम वी लुकअप की बात करते हैं, वी लुकअप तो बहुत सारा यूज करते हैं। वी लुकअप की तीन कमजोरियां है। पहली कमजोरी है कि वो लेफ्ट टू राइट ही चलता है, बीच में अगर आपकी यूनिक आईडी है तो फिर मुश्किल हो जाता है। दूसरी कमजोरी है कि अगर रिपीटेड डेटा है तो फर्स्ट कोई सो निकालता है, फर्स्ट के नीचे के वाले को नहीं निकालता है। जैसे मान लीजिए कि आपने सुनील को मैच किया और सुनील चार बार है, तो पहला सुनील को ही दिखाएगा, बाकी के तीन सुनील को नहीं दिखाएगा। ठीक है, और तीसरा कमजोरी क्या है, तीसरा इसमें प्रॉब्लम यह है कि वो सिर्फ एक कंडीशन को मैच करता है, दो कंडीशन जैसे सम इफ्स वगैरह जो है, नेस्टेड इफ वगैरह है, ये सब तीन चार पांच कंडीशन ले लेता है, लेकिन वी लुकअप सिर्फ एक कंडीशन देता है। अब चलो इससे तो काम चल रहा है, लेकिन आपके पास कुछ ऐसा काम आ गया जिसमें कंडीशंस काफी सारे हैं, अब वहां पे तो वी लुकअप वह काम नहीं करेगा। तो हम क्या करेंगे, वीवीए फंक्शन के जरिए वी लुकअप को कस्टमाइज करेंगे और ऐसा फॉर्मूला बना देंगे जो कि वो रिपीटेड में सबको उठाए, जो कि वो लेफ्ट राइट मिड सबको सर्च करे, जो कि वो एक से ज्यादा कंडीशन को भी ले। तो उस केस में हम फंक्शन इस्तेमाल करते हैं, और फंक्शन सिर्फ एक्सेल के लिए नहीं, माइक्रोज के लिए सपोर्टर होता है। जैसे मान लीजिए एक कैलकुलेशन है एक माइक्रो के अंदर, वो 10 बार यूज हो रहा है, तो कैलकुलेट करने का कोड आपको 10 बार लिखना पड़ेगा। आप उसको फंक्शन में डाल दीजिए और उसको कॉल कर लीजिए, आपको एक ही बार लिखना पड़ेगा। ओके समझ गया, तो फंक्शन का हाँ समझ इस्तेमाल गया। होता है। अब फंक्शन के बाद आता है यूजर फॉर्म, तीसरा यूजर फॉर्म। तो मेरे हिसाब से तीन पार्ट ही बना गया है। यूजर फॉर्म क्या होता है, इंटरफेस। जैसे मान लीजिए आप फॉर्मेट सेल पे क्लिक करते हो, टेक डायलॉग बॉक्स आता है, ये क्यों आता है, प्रोग्रामर ने ऐसा क्यों बनाया, बताएंगे सर जगत जी। हाँ सेलेक्ट करने के लिए नहीं दो समझ गया, लेकिन अब हम तो जैसे यहाँ पे देखिए फॉन्ट के लिए यहाँ दे रखा है, रैप टेक्स्ट पे क्लिक करते हो जाता है, तो ऐसा इसको भी करना चाहिए था ना, तो इधर डबल डबल एक्स्ट्रा काम हो गया ना, कि पहले हम नंबर इस पे क्लिक करेंगे, फिर हम बॉर्डर पे जाएंगे, फिर बॉर्डर सेलेक्ट करके अप्लाई करेंगे। ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि इसमें बहुत सारे ऑप्शन थे। ठीक है ना सर, दिख रहा है ना आपको, बहुत सारे ऑप्शंस थे। अब सारे ऑप्शंस का मेनू बार में रखेंगे तो फिर मेनू बार का जगह नहीं बचेगा, इसलिए उन्होंने ऐसा डायलॉग बॉक्स बनाया। ये एप्लीकेशन हर एप्लीकेशन में होता है, वो क्या करते हैं कि वो मेन फंक्शन यहाँ पर रखते हैं और इसके बाकी डिटेल्स के लिए वो अलग अलग
डायलॉग्स बनाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं इंटरफेस। तो आपको ही मान लीजिए कि ऐसा आपने, मान लीजिए कि आपने एक माइक्रो बनाया, एक माइक्रो बनाया है पिवट लगाने का। तो पिवट जो है एक डेटा पे काम करता है, जनरली दो डेटा के लिए अलग अलग तरीके हैं, अलग कॉम्प्लिकेटेड है। आपने एक इजोफॉर्म बनाया, बताया कि आपको एक डेटा पिवट लगाना है, दो डेटा पे लगाना है, आपको पिवट इसी सीट में लगाना है या अगले सीट में लगाना है, पिवट के साथ आपको चार्ट चाहिए या नहीं चाहिए, ऐसे बहुत सारी चीजें जो है आप एक ही साथ दे दीजिए, और जो जो सेलेक्ट करके ओके करेगा उसी हिसाब से पिवट टेबल लग जाएगा। तो आप जब माइक्रो बनाएंगे तो आपके पास जो इंटरफेस होगा, इंटरफेस क्रिएट करें। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इजोफॉर्म का यूज सिर्फ डेटा एंट्री, यूट्यूब पे जाके देखेंगे तो इस पे हजारों वीडियो मिलेंगे कि इजोफॉर्म से डेटा एंट्री करवा रहे हैं, लेकिन इजोफॉर्म डेटा एंट्री के लिए नहीं बना हुआ। क्योंकि डेटा एंट्री के लिए तो मैं एक्सेल शीट को भी इतना अच्छा यूज, इतना अच्छा कलरफुल बना के फॉर्म बना सकते हैं, उसे डेटा एंट्री कर सकते हैं, लेकिन यूजर फॉर्म का यूज यहाँ तक पॉपअप के लिए। जैसे मान लीजिए कि आप लॉगिन आईडी, लॉगिन पासवर्ड का एक इंटरफेस देना चाहते हैं। जैसे मेरा फाइल खुले और सबसे पहले यूजर नेम एंड पासवर्ड मांगे, अब मैंने यूजर नेम एंड पासवर्ड डाला तो उसी हिसाब से मेरा फाइल को वर्क करने। जैसे कि मैंने एक फाइल बनाई थी सिटी फाइनेंशियल में, सिटी फाइनेंशियल वर्क करता था, तो क्या था कि एक हमारा फाइल था, लोन फाइल था, मतलब सिटी बैंक में होता क्या था, लोन की रिकवरी होती थी, तो एक डेटा के ऊपर कई सारे टीम काम करते थे वन बाय वन, ठीक है ना। जैसे कि एक सीट है, पहले पहला काम होता था कि टेलीकॉलिंग का, टेलीकॉलिंग कॉल करते थे और कॉल करके कस्टमर से पीपीटी प्रॉमिस टू पे, पीटीपी प्रॉमिस टू पे डेट निकालते थे कि हाँ आप पे करना चाहते हैं, कब करना चाहते हैं, इस डेट को। अब उस डेट से एक दिन पहले किसको जाता था, फिल टीम को, जो फिल टीम एग्जीक्यूटिव अलॉट करती थी कि हाँ एग्जीक्यूटिव, फलाना एग्जीक्यूटिव जाएगा पैसा लेने के लिए, फिल एग्जीक्यूटिव। फिर फिल एग्जीक्यूटिव पैसा लेने के जाते थे, एक होता था फिल कोऑर्डिनेशन टीम होती थी, जो कि फिल टीम के साथ कोऑर्डिनेट करती थी कि उसने पैसा लिया या नहीं लिया, लिया तो आपने जमा कराया कि नहीं कराया। फिर एक टीम होती थी कैश कलेक्शन टीम, जो कि फिल एग्जीक्यूटिव से कैश कलेक्ट करके सिटी फाइनेंशियल की अकाउंट डिपार्टमेंट को भेजती थी, ताकि उस अकाउंट, उस लोन आईडी अकाउंट के बिहाफ पे वो पैसा जमा हो जाए। तो एक ही फाइल पे ये सारा स्टेटस डलता था कि भाई फलाना कस्टमर प्रॉमिस टू पे 10 तारीख को, ठीक है पैसा रिटर्न रिकवर हुआ 10 तारीख को, 11 तारीख में पैसा अपडेट हो गया, हो गया, ओके दिस कंप्लीट। तो उसमें क्या होता था कि अपने अपने रिमार्क्स डालने के लिए उनके पास कॉलम थे, जैसे कि एग्जीक्यूटिव फिल क्वालिटी का टीम क्या था, वो प्रॉमिस टू पे डेट डालते थे, फिल एग्जीक्यूटिव का टीम क्या था वो डालते थे फिल एग्जीक्यूटिव का डिटेल की, हाँ फलाना फिल एग्जीक्यूटिव जो है ये जा रहा है पैसा कलेक्ट करने के लिए। कोऑर्डिनेशन टीम कलेक्ट करती थी पैसा कलेक्ट है या कस्टमर नहीं मिला या कोई और प्रॉमिस टू डेट पे डेट दिया है। फिर कैश कलेक्शन टीम डालती थी कि हाँ पैसा कलेक्ट है, सबमिटेड है और अकाउंट में रिफ्लेक्टेड है। तो क्या था कि एक ही फाइल के ऊपर 5 कॉलम थे और 5 डिफरेंट डिफरेंट टीम काम करती थी। तो उसमें प्रॉब्लम क्या होता था, जैसे मान लीजिए टेलीकॉलिंग टीम ने बताया कि भाई 5 तारीख को जाना है, और फिर टीम ने देखा कि 5 तारीख को मुझे इस एरिया में कोई बंदा है ही नहीं, मुझे इसके लिए फिर बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, ओवर टाइम लगाना पड़ेगा, किसी और को रिक्वेस्ट करना पड़ेगा, तो सीधे कस्टमर को फोन करके बोलते थे कि सर आप 6 तारीख को पैसा देंगे, आज नहीं आ पाऊंगा, कोई दिक्कत है मुझे। कस्टमर बोलता था ठीक है 6 तारीख को आप आ जाइए, कोई बात नहीं। तो क्या करते, सीधे प्रॉमिस टू पे डेट को चेंज कर देता था। अब डेली बेसिस में रात में परफॉर्मेंस रिपोर्ट जो आती थी मिलता था, अलग अलग लोग मेल करते थे। अब प्रॉब्लम क्या होती थी कि टेलीग्राम टीम कहती थी कि मेरे पास 22 रिपोर्ट्स, 22 पीटीपी जनरेट हुआ है, अब मेरा डेटा करता था कि 20 हुआ है। अब हमें क्या पता कि एक टेली, इसने फिल टीम ने एक चेंज कर दिया है। तो हमने क्या किया, इस सब सिस्टम को खत्म किया और हमने बनाया यूजर फॉर्म, और यूजर फॉर्म में दिया लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड। हम बोले कि भाई आप अपना नाम डालिए, नाम डाल के लॉगिन कीजिए, आप बिलोंग करते हैं फिल टीम से, तो आपका फिल टीम का कॉलन ही हाईलाइट होगा, बाकी सारे कॉलन प्रोटेक्टेड रहेंगे, बाकी किसी कॉलम पे आप ना सेलेक्ट कर सकते हैं ना टाइप कर सकते हैं, आपको सिर्फ अपने कॉलम से मतलब है। ऐसे टेलीग्राम टीम अपना कोई भी बंदा अपना नाम डाल के लॉगिन करेगा, यूजर आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करेगा,
वो सिर्फ डी कॉलम को, उसकी जो कॉलम है उसी कॉलम को हाईलाइट कर पाएगा। तो इनके लिए हमने क्या किया था, यूजर फॉर्म का डिफाइन किया था। तो यूजर फॉर्म सिर्फ डेटा एंट्री के लिए नहीं है, यूजर फॉर्म इंटरफेस के लिए है। और आप जैसे फॉन्ट ले लीजिए या आप पेस्ट स्पेशल ले लीजिए, जो पेस्ट स्पेशल का जो पॉपअप आ रहा है आपका, ये सब यूजर फॉर्म ही है, यूजर फॉर्म से ही बिलोंग करते हैं। समझ गया सर? ओके तो आपको डिफरेंस बिटवीन माइक्रोज फंक्शन एंड यूजर फॉर्म और इसकी क्या रोल है, इससे क्या बेनिफिट्स मिलेंगे हमको, समझ में आ गया? समझ गया। अब क्या होता है ना सर कि ये करना जरूरी होता है, क्योंकि बहुत सारे हमारे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें यहाँ पे क्या लगाना है। अब जैसे मान लीजिए कि मैं इंटरनेट से एक डेटा कॉपी करता हूँ, चलिए एक इंटरनेट से डेटा कॉपी करता हूँ, इसी को कॉपी कर लेता हूँ। पता नहीं कितना टाइम दे रहा है उसको। अच्छा, गो टू मीटिंग ब्लॉक कर देता है, इसलिए गो टू मीटिंग को मैंने छोड़ दिया है। इसे मान लीजिए कि 4, 5, 10 या इससे कम मैंने डेटा को कॉपी किया और अपने एक्सेल शीट पे पेस्ट किया। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आता है कि अब इसमें ये डेटा आप देख रहे हैं ना, अब इस डेटा में से मुझे अलग, इसमें दो दो चीजें अलग करनी है, तो एक चीज अलग करनी है इसमें से, मुझे अलग करनी है इसकी ईमेल आईडी, सॉरी इसकी यूआरएल, माफ कीजिएगा। यूआरएल क्या मतलब कि ये वेबसाइट लिंक है, इधर देखिए कि इसमें डॉट कॉम तो सही है, लेकिन इसमें देखिए इंडिया लिस्ट। अब इंडिया लिस्ट डॉट कॉम डॉट को डॉट इन क्या है, तो इसकी एग्जैक्ट यूआरएल क्या है, इसके ऊपर हाइपरलिंक में लगा हुआ है। तो हमें क्या करना होता है, बार बार इस पे राइट राइट क्लिक करके एडिट हाइपरलिंक और फिर इसमें से कॉपी करके पेस्ट करना होता है, यहाँ पेस्ट करना होता है। अब मान लीजिए कि मुझे अगर 1,00,000 डेटा है, तो 1,00,000 पे मैनुअली राइट क्लिक करना, एडिट हाइपरलिंक और लिंक को कॉपी करके पेस्ट करना, ये बहुत बड़ा टीडीएस जॉब हो जाएगा, बहुत बड़ा लेंदी वर्क हो जाएगा, क्या सर? तो उस केस में क्या करें, तो उस केस में यहां पे हम एक सोल्यूशन ढूंढेंगे कि हम वीवीए प्रोग्रामिंग यूज करें। अब यहां पे एक चीज और समझ में आती है कि वी सिचुएशन, सॉरी सर थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी नेटवर्क में, पता नहीं क्यों ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे अब यहाँ पे दो चीज आती है कि हम जो एक्सेल इस्तेमाल करते, हम जो वीवी यूज करेंगे वो कब यूज करेंगे। देखिए वीवी यूज करने के लिए हम सबको सलाह देते हैं कि दो सिचुएशन में वीवी यूज करते हैं। पहले सिचुएशन होती है, वो होती है आपका रिपीटेड जॉब, ऐसा काम जिसको आपको बार बार करना है, जैसे कि आपको मैंने फाइल वाला बताया था आपको। अब जैसे मान लीजिए ना कि कुछ ऐसे काम होते हैं, कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि आते सिर्फ एक बार में है और प्रोग्रामिंग करने में घंटा 2 घंटा लग जाएगा, लेकिन वीवीए माइक्रो के जरिए हम 2 मिनट में कर लेंगे,
सॉरी प्रोग्रामिंग करने में घंटे दो घंटे लग जाएंगे, और ऐसे मैनुअली करने जाए तो आधा एक घंटा में हो जाएगा। तो अब कहने का मतलब है कि यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग करके अपना एनर्जी क्यों वेस्ट करें, जबकि वो काम एक बार ही आया हुआ है, इन फ्यूचर में नहीं आएगा और आधा एक घंटा लगेगा कर देते, प्रोग्रामिंग करने में भी इसी के आसपास टाइम लगेगा। तो उस केस में हम अपना वीवीए प्रोग्रामिंग नहीं मैनुअल वर्क यूज कर लेते हैं। दूसरा लेंदी जॉब, मतलब कि रिपीटेड एक ही बार आया हुआ है बट इतना ज्यादा लेंदी है, जैसे कि आपके सामने दिख रहा है कि इतना ज्यादा लेंदी है कि इसके लिए हम मैनुअल करने जाए तो कई दिन लग सकते हैं, तो इसको प्रोग्रामिंग के जरिए करना ही बेनिफिट होगा। समझ गए कि राइट क्लिक करके एक एक यूआरएल को अलग करना है, दिस इज द मैन फर्स्ट टाइम मैंने फर्स्ट जॉब एक ही बार करना है, इन फ्यूचर फिर दोबारा नहीं करना है, लेकिन इतना ज्यादा क्वांटिटी में है कि अगर मैनुअल करने जाए तो काफी टाइम लगेगा, तो इसके लिए हमें वीवीए प्रोग्रामिंग करना ही पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे सिचुएशन को समझा कि पहले सिचुएशन लेंदी जब रिपीटेड वर्ड, ऐसा काम जो बार बार रिपीट हो रहा है उसके लिए प्रोग्रामिंग बनाएंगे, नॉर्मल एक बार जो कोई काम आ रहा है उसके लिए वीवीए प्रोग्रामिंग हम नहीं बनाएंगे, अवॉइड करेंगे। दूसरा कि हमारे पास अगर रिपीटेड जॉब में एक ही बार मतलब फर्स्ट टाइम आया है लेकिन लेंदी है, लेंदी जॉब, लेंदी जॉब है, तो लेंदी जॉब को अगर आप करते हैं तो उसमें आपका काफी टाइम वेस्ट होगा, मतलब काफी टाइम वेस्ट होगा, तो इसलिए वीवीए प्रोग्रामिंग नहीं करते। अब यहाँ वीवीए प्रोग्रामिंग हमने डिसाइड तो कर लिया कि मुझे इसमें वीवीए प्रोग्रामिंग का इस्तेमाल करना है, अब मुझे ये डिसाइड करना है कि इसमें हम कौन सा वीवीए माइक्रो प्रोग्रामिंग क्या करें, हम माइक्रोज बनाए या फंक्शन बनाए। यूजर फॉर्म की तो बात ही नहीं है, क्योंकि यूजर फॉर्म तो इसी दोनों को रिप्रेजेंट करता है, ऑप्शन देता है कि ये चूज करो चाहे वो चूज करो, तो हम फंक्शन बनाए या माइक्रोज बनाए। देखिए माइक्रोज अगर बनाते हैं आप तो क्या करेगा, मैं दोनों का एग्जाम्पल आपको बता रहा हूँ। चलिए हम माइक्रोज का एग्जाम्पल समझते हैं कि माइक्रोज और फंक्शन, ताकि आपको डिसीजन लेने में आसानी होगी कि हम माइक्रो इस्तेमाल करें या फंक्शन इस्तेमाल करें, ये समझना भी काफी ज्यादा जरूरी है। नहीं तो क्या हुआ कि आपने माइक्रो में पूरा एफर्ट लगा दिया और बाद पता चला कि यार ये तो फंक्शन से होना चाहिए था, इसमें फंक्शन अप्लाई होना चाहिए था। तो हमने दोनों अप्लाई करते हैं, दोनों का हम आपको बताते हैं कि सब आ रहा, और फिर हमने यहाँ पे दिया एच से लेके 20, तो यहाँ पे हमने लिया लूप कि 4i = चले 1 to 20 और फिर नेक्स्ट आई, और फिर हमने रेंज क्या है आई, हाँ आई के साथ आई। अभी प्रोग्रामिंग क्या हो रहा है कैसे हो रहा है हम इसके बारे में बाद में पहले बात करेंगे, हम बात कर रहे हैं कि डिफरेंस माइक्रो जो फंक्शन में क्या डिफरेंस है, कब चूज करेंगे। एड्रेस जीरो आगे, ठीक है। तो आपने देखा माइक्रो से हमने यहां पे सेलेक्ट किया और रन किया और हमारा ये पूरा डेटा यहां शो हो गया सर। अच्छा ये इसलिए हो रहा था कि 20 कर दिया था, ये 90 ही रहना चाहिए।
अब इसमें एरर नहीं आएगा। जीरो नहीं वन होगा, जीरो क्यों कर दिया था? ये परफेक्ट हो गया। ठीक है, अब चलिए फंक्शन बनाते हैं। तो फंक्शन बनाने के लिए इस तरह से दिखते हैं, फंक्शंस यूआरएल हम नाम दे दिया और यहाँ इनपुट इन एज ए रेंज, और फिर यहाँ पे हमने दे दिया यूआरएल इक्वल टू एन डॉट हाइपरलिंक, इसमें दिया वन कॉमा एड्रेस। अब देखिए यहाँ पे मैं यूआरएल का कॉमा लगा के भी यूआरएल ले सकता हूँ। तो इसमें अब दोनों में बेनिफिट दिखे, क्योंकि इसमें क्या है कि हमें बताना पड़ा कि एक से लेके 19 तक चलना है और किस किस पे चलना है। अब कल के डेट में डेटा हो सकता है 1900 या 10000 हो, तो मुझे इसको भी ऑटोमेट करना पड़ेगा। तो ये तो कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि अब मैंने एक बार माइक्रो रन कर दिया, मेरा डेटा इसने अपडेट कर दिया। अब कल के डेट में मैंने यहाँ, हेलो आवाज आ रही सर? हेलो 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 चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जैसे कि आपने देखा कि मैक्रो मैंने बनाया, तो मैक्रो मैंने अपडेट कर दिया, फंक्शन ने भी अपडेट कर दिया। अब जैसे देखिए, मान लीजिए कि मैंने एक नया डेटा ऐड किया, मान लीजिए कि मैंने यहाँ पे हाइपरलिंक के साथ मैंने एक नया फॉर्मूला हमने यहाँ पे दिया, एक नया क्या बोलते हैं, हमने एक नया डेटा इसके अंदर ऐड किया। अब क्या है मुझे कि माइक्रोज को जाके मुझे दोबारा रन करना पड़ेगा, माइक्रोज को जाके मुझे दोबारा रन करना पड़ेगा। बट यहाँ पे देखिए हमारा आ गया, फॉर्मूला लगाते ही हमारा डेटा आ गया। अच्छा, HTTPS बना पूरा कंप्लीट पाथ चाहिए। तो फॉर्मूला क्या करता है, डायरेक्ट अपडेट करता है। फॉर्मूला हमारा डायरेक्ट अपडेट करता है। तो माइक्रोज का यूज कब करते हैं, जब हमें बस क्लिक करके छोड़ देना है। और फंक्शन का यूज कब करते हैं कि डेटा चेंजेबल है और डेटा कभी भी चेंज होते रहता है, तो उस केस में हम फंक्शन इस्तेमाल करेंगे कि मेरा डेटा जैसे भी यूजर ने चेंज किया वो अपना रिजल्ट तुरंत चेंज कर दे। बट मैक्रो में क्या होता है कि हमें उसको रन करना पड़ता है अपडेट करने के लिए। जब तक उसको हम रन नहीं करेंगे अपडेट करने के लिए, तब तक वो डेटा को रिफ्लेक्ट चेंज नहीं करेगा, अपडेट नहीं करेगा। क्लियर सर? तो डाउट इसमें
यूज रिलेटिव रेफरेंस का क्या क्या यूज है? क्या यूज रिलेटिव रेफरेंस रिकॉर्ड मैक्रो के नीचे? अच्छा ये चीज अलग है। रिकॉर्ड देखिए, रिकॉर्ड मैक्रो के बारे में हम आपको बताएंगे। ये होता है, रिलेटिव डिफरेंस होता है कि जब आप मैक्रो रिकॉर्ड करते समय, जब रिकॉर्ड करेंगे तो जो आपके फाइल और फाइल से रिलेटेड किसी और से इसके अंदर में माने कि लिंक लगा हुआ है, क्या उसकी रेफरेंस को भी रिकॉर्ड करे या ना करे, उसके लिए होता है। और रिकॉर्डिंग मैक्रो नॉट ए बिग डील, ये नॉर्मल बहुत ही छोटी सी चीज है, बहुत ही छोटी सी चीज है, समझ गए? ओके ओके तो ये रिकॉर्डिंग मैक्रो पे ध्यान देना ही नहीं है, क्योंकि अगर आपको वीवीए प्रोग्रामिंग आ गया तो आप रिकॉर्ड मैक्रो को कभी यूज ही नहीं करोगे सर, आई एम श्योर। ठीक है, तो पहले ओके आपको ये समझ आगे समझ में आ गया ना कि हम माइक्रो इस्तेमाल करेंगे तो क्या क्या चीज हमें अब होना चाहिए, किस आप किस सिचुएशन में होना चाहिए। अब दूसरी चीज यहाँ पे आती है कि किसके लिए माइक्रो बनाया। तो देखिए, मैं जैसे सलाह देता हूं कि अगर आप ऐसी फाइल पे माइक्रो बना रहे हैं जो फाइल बहुत सारे लोगों पे ट्रेवल होती है, वहां पे आप माइक्रो ना बनाए, माइक्रो उसमें ना लगाए। क्यों? क्योंकि हर पीसी का माइक्रो सिक्योरिटी लेवल जो होता है वो डिसेबल होता है। हर सिस्टम की माइक्रो सिक्योरिटी लेवल हमारा डिसेबल होता है यहाँ। तो उससे क्या होता है कि अगर आपने माइक्रो लगा हुआ फाइल भेज दिया आपने, तो जब तक वो माइक्रो को अनेबल नहीं करेगा तब तक उसको उसमें का माइक्रो वाले फीचर्स इस्तेमाल नहीं होंगे, यूज नहीं होंगे, शो नहीं करेंगे, समझ गए? समझे। अब प्रॉब्लम क्या होती है कि हर कोई माइक्रो से फैमिलियर नहीं होता, हर किसी के पास माइक्रो के नॉलेज नहीं होता है। अगर आपने 100 लोगों को पास भेजा और 100 लोगों मान लीजिए 60 लोग माइक्रो नहीं जानते हैं, तो 60 लोगों को आपको स्पेशली बताना पड़ेगा कि भाई ये फीचर्स है, आप माइक्रो अनेबल करो तो देख पाएंगे, समझ रहे हैं सर? अच्छा, तो उस केस में हमें क्या और सीखना एक चाहिए? क्वेश्चन है। वीबी के लिए, वीबी रन करने के लिए सामने वाले का ऑपोजिट का फाइल जरूरी है मैक्रो होना? नहीं, मैंने समझा नहीं, माइक्रो वीबी, होना मतलब? सपोज मेरा फाइल एक वीबी, फाइल शीट वन एक वीबी है, उसमें प्रोग्रामिंग डाला हुआ है, और मेरे को शीट पहले टू और पहले शीट एक थ्री चीज में शीट पहले एक चीज आप टू पहले एक चीज इस समझ लीजिए कि वीवीए कोई अलग से नहीं डलता है माइक एक्सर में, हर फाइल हर एक साथ वीवीए कैरी होता ही होता है, ठीक है ना? वो फाइल एक्सटेंशन होता है कि जब हम फाइल सेव करते हैं, आपने वीवी कोई फाइल लगाया, फाइल को जब फर्स्ट टाइम सेव करते हैं तो सेव करते समय वो फाइल का टाइप मांगता है, ठीक है ना? तो आपने फाइल का टाइप डिफॉल्ट एक्सेल वर्कबुक होता है, आपने एक्सेल वर्कबुक रहने दिया तो ये फाइल माइक्रो की किसी भी चीज को कैरी नहीं करता है। लेकिन अगर किसी और फाइल में माइक्रो लगी हो और वो रन हो तो इस पे वो माइक्रो अपना इफेक्ट डाल देगा। जैसे आपने एक माइक्रो माइक्रो एक फाइल नंबर वन, जिस फाइल नंबर वन डॉट एक्सएलएस एम है, एक्सएलएस एम मतलब माइक्रो अनेबल वर्कबुक, उसमें आपने कोडिंग किया हुआ है कि फाइल नंबर टू डॉट एक्सएलएस, एक्सएलएस जो कि एक्सेल वर्कबुक है, माइक्रो डिजिटल वर्कबुक है, फाइल नंबर एक्सएलएस को ओपन करो और उसमें कुछ काम करो, तो ये काम होगा क्योंकि ये काम कौन करवा रहा है? फाइल नंबर वन। फाइल नंबर वन क्या है? माइक्रो अनेबल वर्कबुक है। तो जिस जो फाइल माइक्रो अनेबल वर्कबुक है सेव करते समय आपने सेलेक्ट किया है, वो फाइल अपना माइक्रो कैरी करता है, समझ गया? और किसी एप्लीकेशन में, किसी सिस्टम में माइक्रो अलग से डालना नहीं पड़ता है, वो माइक्रो जो है एक्सेल के साथ इनबिल्ड होता है, समझ गए? मेरा मेरा क्वेश्चन क्या है, मेरा क्वेश्चन क्या है, इफ अगर मेरा शीट वन में मैक्रोस पूरा पड़ा हुआ है, अराउंड 30-40 मैक्रोस उसमें मैंने बना के रखा हुआ है शीट वन में, और मेरे को जो शीट टू का डेटा है जो नॉर्मल है एक्सेल फाइल, और शीट थ्री एक्सेल फाइल है, शीट टू का डेटा शीट थ्री में रन करना है ऑन द बेसिस ऑफ मैक्रो विच इज मेड इन शीट वन।
हाँ करेगा, मैंने यही चीज तो बताया ना आपको कि एक फाइल जो माइक्रो कैरी कर रहा है वो दूसरे किसी भी फाइल को इफेक्टेड कर सकता है, काम कर सकता है उसके अंदर जाके। कर सकता है, बट वो इनेबल नहीं होना चाहिए। नॉर्मल भी हो सकता है, नॉर्मल फाइल, कोई प्रॉब्लम नहीं, बस जिस जिस नॉर्मल जिस फाइल है, सीट माइक्रो जिस रन कर फाइल, सकता है यहाँ पे उसमें। सीट नहीं कहेंगे सर, यहाँ पे फाइल कहेंगे, जिस फाइल के हाँ अंदर फाइल, माइक्रो, जिस फाइल के अंदर माइक्रो है वो फाइल माइक्रो अनेबल होनी चाहिए, माइक्रो अनेबल वर्क मतलब कि .xls m और इस तरह का सिंबल होना चाहिए, माइक्रो के सिंबल इस तरह तीनों का फाइल में, फाइल। तीनों फाइल में, दैट मींस तीनों फाइल एनेबल होना चाहिए, नहीं, एक्सेल होना चाहिए। जिस फाइल के अंदर माइक्रो आपने सेव किया है वो फाइल बता रहा हूं। हाँ वो एक्सेल हो गया। हाँ, उसके बाद वो बाकी कोई भी फाइलों से कोई मतलब नहीं है, सब पे जाके काम करेगा। अच्छा, ये फाइल ओपन होना चाहिए साइमल्टेनियसली रन हाँ, करने ये के ओपन टाइम। होगा तभी तो माइक्रो रन करेंगे आप। हाँ तो सर, माइक्रो आपको रन जो करना है वो इसी फाइल में जाकर रन करना है, इस फाइल के अंदर कोड होगा कि भाई फलाने फाइल को ओपन करो, चाहे फलाने फाइल ओपन है उसमें जाके उसके अंदर जाओ डेटा कॉपी करो, लेकिन माइक्रो ट्रिगर करने के लिए तो आपको इसी का यूज करना पड़ेगा ना। हाँ तो फाइल साइमल्टेनियसली से ओपन करना पड़ेगा ना। ओके हाँ, ये चीजें हम आपको एक्सप्लेन ओके, करेंगे, उसमें नहीं चिंता हो मत सकता कीजिए। है, उसमें नहीं हो सकता ना। अगर शीट 2 शीट 3 मैं क्लोज्ड है और मैं शीट 1 रन करता हूँ माइक्रोस, तो नहीं हो उसमें सकता ओपन करने का कोड डालना पड़ेगा, है। हाँ वर्कबुक डॉट ओपन और फाइल लोकेशन दे दीजिए, वो जहां भी होगा वहां से ओपन कर देगा। जो बेशक ही काम सामने आप वाले को मालूम नहीं मैनुअल पड़ना चाहिए कि जो काम माइक्रो। आप माउस और कीबोर्ड से करते हैं ना, वो सारे काम कोडिंग से कर सकते हैं। तो अगर मान लीजिए कि फाइल बंद है तो उसको ओपन कराया जा सकता है वीवीएम लगा के, बस आपको एक फाइल ओपन करनी है जिस फाइल के अंदर माइक्रो लगा हुआ है और उस फाइल में जाके माइक्रो को रन कर देना है, बाकी सारा काम फाइल ओपन कॉपी कट पेस्ट डिलीट स्लीट सब वही कर देगा, आपको कुछ लेने की जरूरत नहीं है, बस उसकी रिलेटेड कोड आपको डालनी पड़ेगी। इसे एग्जांपल मैं समझा देता हूँ, जाइए जैसे कि अभी हमारे सामने हमने क्या किया हुआ है, हमने हाइपरलिंक यहां से लिया हुआ है ना सर, ये हाइपरलिंक का माइक्रो ले लीजिए, हाँ अभी हाइपरलिंक का माइक्रो हमारा जो सेव है वो किसमें सेव है, ये हमारा बुक वन यहाँ पे 1.xls m में सेव है, ठीक है, जो कि हमारा डेस्कटॉप पे है, ठीक है। अब मैंने क्या किया कि इस फाइल को, इस डेटा को यहां से कॉपी किया, एक नई फाइल जनरेट किया, नई फाइल जनरेट किया और उसके अंदर मैं इसको पेस्ट कर दिया, एच है ना, एच कॉलम में, हाँ एच कॉलम, एच कॉलम में मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है, और फिर इस फाइल को मैं सेव कर दिया डी ड्राइव में, डी ड्राइव में टू, और ए हमने कर दिया एक्सलेस वर्कबुक, ये माइक्रो वर्कबुक नहीं है, क्या है, एक्सलेस वर्कबुक, ठीक है, और इस फाइल को क्लोज कर दिया। अब मुझे जो ये जो काम हमने यहां किया है, ए इस काम को मुझे उस फाइल में करना है, तो मैं यहां पे क्या करूंगा, कोड करूंगा कि वर्क बुक्स डॉट ओपन, और कहां से, अब इसका फाइल का लोकेशन देख लेता, डी ड्राइव में था ना हमने डाला, हाँ डी ड्राइव में 2.xls, ठीक है, तो यहाँ पे डी ड्राइव स्लैश 2.xls x, सॉरी समझ गए, समझ गए। और फिर हमने यहाँ पे कर दिया वर्क बुक इन्वर्ट कॉमा में 2.xls x डॉट क्लोज एंड ट्रू, सेव कर दिया, ट्रू कर दिया, ठीक है। अब क्या होगा कि मैं माइक्रो रन करूंगा कहां पे जाके, माइक्रो रन करूंगा इस वन सीट जो कि माइक्रो अनेबल वर्कबुक है, बस मुझे इसी फाइल को खोलना है और उसके बाद जाना है माइक्रो को ट्रिगर कर देना है। अब ये माइक्रो खुद ब खुद फाइल बुक नंबर 2 को ओपन किया, काम करके फिर उसको सेव कर दिया,
सेव करके क्लोज कर दिया। अगर टू को आप ओपन करके देखेंगे तो उसमें आपका डेटा हाइपरलिंक लग के स्टोर हो गया हुआ। ठीक है सर, समझ में आ गया अब? सेव के क्लोज। हाँ, सेव करने तो ये ऑटोमेटिक क्लोज भी हो जाएगा। हमने सेव करने का कोड दिया था इसमें, यहाँ देखिए हमने वर्कबुक डॉट क्लोज किया ना, तो क्लोज करते समय पूछता है डू वांट टू सेव, तो मैंने ट्रू कर दिया, मतलब कि हाँ। या आप अलग से सेव करने का भी कोड डाल सकते हैं। तो ये जो फाइल है जिसपे काम हुआ वो माइको वाली फाइल नहीं थी, ये नॉर्मल फाइल थी, लेकिन जो काम करवा रहा था 1.xlsm ऊपर दिख रहा होगा, इसमें माइक्रो थी। तो ये फाइल माइक्रो फॉर ये जो कोडिंग डाला है फॉर i इज इक्वल टू 1 टू 19, ये क्या एक्चुअली वो टाइम साउंड नहीं था कौन सा? ये तो हमने प्रोग्रामिंग किया है, लूप वगैरह लगाया है, तो इसके बारे में आगे समझाएंगे। वो पहले ने बोला आपको कि मैं अभी आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ, ना कि कोड समझा रहा हूँ। कोड को तो शुरू से पढ़ना होगा ना सर। ओके। यहाँ पे हम आपको बेनिफिट समझा रहे हैं, ठीक है? तो अभी आप लोग क्या करें, एक वेबसाइट है जो कि मैं इस पहली बार क्लास में बोला था, याद होगा आपको, कि excel-vva.com, इसको जाके थोड़ा सा स्टडी कर लीजिए सर। इसके चैप्टर्स है, इनके चैप्टर को स्टडी कर लीजिए आगे कोड कंसेप्ट को पढ़ने से पहले। ये थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर कर दूंगा सर। आर्टिकल है excel-vva.com, सिंपल इसकी URL है जो कि आपको याद रहेगा, इसको एक बार स्टडी कर लीजिए। ये पूरा VVA के बारे में समझाया हुआ है सर। ये मेरी वेबसाइट नहीं है जो मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ, ये वेबसाइट किसी और की है, लेकिन जब मैंने शुरुआती में एक्सेल सीखा था तो ये वेबसाइट मुझे काफी ज्यादा हेल्प किया था। अब तो काफी ज्यादा नई चीजें डाल दी, लेकिन पहले तो कुछ बेसिक ही था, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा हेल्प की, इसलिए मैं हर किसी को रिकमेंड करता हूँ। ठीक है, तो इसको करिए, फिर कल हम आपके साथ मिलेंगे इससे आगे की चीजें। ठीक है सर, ओके बाय, सी टुमारो सेम टाइम। तो यूट्यूबर्स देखा किस तरीके से मैंने क्लासेस दी, क्लासेस का ड्यूरेशन वही आपको 45 मिनट टू 1 आवर का होता है, मंडे टू फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे या फिर सैटरडे एंड संडे। मंडे टू फ्राइडे रेगुलर होता है, फ्राइडे सैटरडे गल्फ जो सिटी जो है जो कि फ्राइडे सैटरडे वीकेंड रखते हैं उनके लिए, और सैटरडे संडे वो हमारे कंट्रीज हैं जो कि सैटरडे संडे ऑफ रखते हैं। तो तीन मोड में क्लासेस होती है, वो आप ले सकते हैं। तो फटाफट मेरी वेबसाइट iptindia.com पे जाएं और डेमो क्लासेस का फॉर्म को भरें और ज्वाइन करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, और आपके कॉल का इंतजार हम करेंगे सर। थैंक यू सर।